राजधानी में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद आवासीय कॉलोनी में अवैध शराब बिक्री जोरों पर है, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने मानसरोवर के थड़ी मार्केट चौराहे पर जमकर प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया और पुलिस पर शराब माफियाओं की मिलीभगत के आरोप लगाए। स्थानीय वासियों का आरोप है कि मानसरोवर के सेक्टर 117 में बने एक मकान में पिछले 5 महीनों से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इसके चलते महिलाओं का निकलना दूभर हो गया है और आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं देखने को मिल रही है। मामले को बढ़ता देख शिप्रापत थाना और मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया, साथ ही आवासीय कॉलोनी में शराब बिक्री बंद करवाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला। स्थानीय लोगों का कहना है कि शीघ्र ही शराब बिक्री बंद नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।